तो किसका बंगाल में आज इस शो में हम बात करेंगे सिकंदर को सम्मान दिलाने की मुहिम की। आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये सच पता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई भारत के गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने मापी थी, लेकिन उन्हें ये सम्मान नहीं मिला। आज किसका बंगाल में हम बंगाल के नेताओं से सवाल पूछेंगे, बंगाल के राजनीतिक दलों से सवाल पूछेंगे कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकंदर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आखिर माउंट सिकंदर बंगाल में चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है, बंगाल को गौरव दिलाने वाला ये मुद्दा बंगाल से गायब क्यों है। आसमान को छूती ये पहाड़ की चोटियां और इन चोटियों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है, ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर 1852 में भारत आजाद होता तो माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट शिखर हो सकता था। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकंदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था 1852 में। आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता, तो आज जी न्यूज पर इसकी पूरी कहानी बताएंगे। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकंदर इसलिए होता क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जॉर्ज एवरेस्ट ने नहीं बल्कि राधानाथ सिकंदर ने नापी थी। भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई को मापा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया और इस पर्वत चोटी का नामकरण जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर कर दिया गया, जिन्होंने ना तो माउंट एवरेस्ट कभी देखी और ना ही उन्हें इसकी कोई जानकारी थी। उनकी भूमिका सिर्फ भारत के सर्वे जनरल की थी, यानी राधानाथ सिकंदर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे में सवाल ये है कि जी न्यूज ने तो राधानाथ सिकंदर के सम्मान के लिए अभियान शुरू कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल के हुबली में जन्मे बांग्ला महापुरुष राधानाथ सिकंदर को सम्मान दिलाने के लिए बंगाल के राजनीतिक दल अभियान कब शुरू करेंगे। जिस बंगाल में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की विरासत के लिए राजनीतिक दल लड़ते हैं, वहां राधानाथ सिकंदर की विरासत की बात क्यों नहीं होती। आखिर माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकंदर करना बंगाल में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है, क्यों बीजेपी टीएमसी और लेफ्ट के एजेंडे में माउंट सिकंदर नहीं। आज हमने इन्हीं सवालों के जवाब बंगाल के राजनीतिक दलों से पूछे, तो सुनिए उनके पास क्या जवाब था। आपके जो गए सुधीर चौधरी जी, बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन इसका माउंट सिकंदर होना चाहिए उसका नाम, क्योंकि अपने देश पर जिस व्यक्ति ने नापा है उसके नाम पर हो तो ये सबसे अच्छा होगा। हर देश वाले अपना अपना नाम रख रहे हैं तो हम क्यों भूल जाएं, हमारे देश का व्यक्ति पहला है। सुधीर चौधरी को इसके लिए धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव है, बांग्ला राष्ट्रवाद से लेकर बांग्ला गौरव की बात खूब होती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर राधानाथ सिकंदर करने की मांग शायद ही किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में ऊपर है। प्रधानमंत्री जी इतना नामकरण कर रहे हैं, स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, शहर का नाम बदल रहे हैं, वो भी बदल दें, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, उसमें क्या हो सकता है। राजनीतिक दल माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर राधानाथ सिकंदर करने का अभियान कब शुरू करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जी न्यूज ने यह अभियान शुरू कर दिया है।
माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक नेपाल के जरिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के ज़रिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ के ज़रिए भी आ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट जिनके नाम पर ये चोटी पड़ी है, खुद कभी माउंट एवरेस्ट नहीं आए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, माउंट एवरेस्ट कभी भी माउंट एवरेस्ट पर नहीं आए। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिकदर को कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ हैं थे, जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। लेकिन क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जो हैं उस समय जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो इसको पूरे काम को कर रहे थे, उन्होंने इसका नाम माउंट एवरेस्ट पर रख दिया। एंड्रयू वॉ जो थे, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के सक्सेसर थे, उनके बाद सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के जो चीफ थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम रखा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। और यहाँ आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ आप सबके बिहाफ पर, हर भारतीय की तरफ से, कि राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को, इस माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार, इतना बड़ा काम किया उन्होंने। और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। बंगाल के राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि जिन्हें दुनिया पहले से ही जानती है, पहचानती और सम्मान करती है, उनके विरासत का उत्तराधिकारी और उनका सम्मान करना तो बेहद आसान है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर गौरव हासिल करना है तो फिर रियल हीरो राधानाथ सिकदार जैसे लोगों को सम्मान देना होगा। और ये तब होगा जब दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के नाम से नहीं लेकिन माउंट सिकदार के नाम से जानी जाएगी। चंदननगर से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। अब आपको कोलकाता के बीटी रोड से पूजा मेहता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा दावा है कि ये जगह जहां पर जमीन पूरी तरह से समतल है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे टावर बनाया गया था यहां। इसी टावर के जरिए न सिर्फ एवरेस्ट की ऊंचाई मापने में मदद मिली बल्कि पूरे भारत का नक्शा भी मापने की कोशिश की गई। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि जिस भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने इस टावर का निर्माण कराया, उन्हीं का नाम इस टावर में नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हम फिलहाल कोलकाता के बीटी रोड में है और मेरे ठीक पीछे है जीटीएस टावर, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और किसकी बदौलत ये टावर है, शायद ही किसी को पता होगा। काफी बिजी सड़कों में से एक इस रोड पर हजारों लोग सामने से आते हैं और जाते हैं, बड़ी संख्या में वाहन इसके सामने से पास करते हैं, लेकिन शायद ही लोगों को पता है कि इस टावर के पीछे किसका कंट्रीब्यूशन है। इस टावर के पीछे कंट्रीब्यूशन है राधानाथ सिकदर का, जिन्होंने कैलकुलेट की थी माउंट एवरेस्ट की हाइट। लेकिन हम आपको बताते हैं, पढ़कर सुनाते हैं कि इस पर क्या लिखा है।
और आप ताजुब हो जाएंगे कि जिसकी वजह से ये टावर आज यहाँ खड़ा है उनका नाम तक नहीं है। GTS टावर, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे टावर, दिस 75 फीट टॉल मिशनरी टावर वॉज बिल्ट इन 1831 फॉर द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे कंडक्टेड बाई जॉर्ज एवरेस्ट, द देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे प्रोजेक्ट एंड सर्वेयर General in charge and all topographical and revenue survey carried out by Survey of India. तो ये जो टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसकी हाइट 75 फीट है और सबसे ऊपर एक जो है टेलीस्कोप टाइप का जो है एक डिवाइस है जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष की मैपिंग होती थी, मेजर किया जाता था और साथ ही साथ जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसी टावर के जरिए जो है कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये पूरा सरफेस जो है प्लेन सरफेस है और इस तरीके के टावर बिठाने के लिए प्लेन सरफेस चाहिए, इसलिए कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके उस समय में शॉर्टलिस्ट किए गए थे जहां पर ये टावर को बनाया गया था। और आज जिसके बदौलत ये टावर यहाँ पर खड़ा है और हजारों लोग इसके सामने से आते जाते हैं और कभी कभार देख भी लेते हैं, उनको शायद ही पता होगा कि इसके पीछे की कारण क्या है। और राधानाथ सिकदार ने इस टावर को बनाया था एवरेस्ट की जो है हाइट कैलकुलेट करने के लिए, और पूरे इंडिया में जो मैपिंग हो रहा था तब उस समय पर उसके पीछे जो है ये इस टावर को इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष भट्टोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।